स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम आए हैं घंटेश्वर धाम के लिए। आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार नज़ारा यहाँ पे देखने को मिलता है। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं या आरती के लिए तैयारी चल रही है। कुछ ही देर में यहाँ पर आरती होगी, पर यहाँ पर नहाने की व्यवस्था है। आप देख सकते हैं कितना पहाड़ों में बसा हुआ यह मंदिर है। काफ़ी शानदार नज़ारा यहाँ का देखने को मिलता है। इधर आप देख सकते हैं शिवलिंग बना हुआ है। यहाँ पर लोग दूर दूर से आके शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं। साथियों, आप देख सकते हैं घंटेश्वर धाम का सबसे मनमोहक नज़ारा है जो यहाँ पे देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं लगभग 100 फीट की ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है और लोग नहाने का आनंद लेते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे नहा भी रहे हैं और फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। आप यहाँ देख सकते हैं लाल जी महाराज की मूर्ति स्थापित है। जैसा कि आप देख सकते हैं इधर आरती शुरू हो चुकी है। सभी भक्तगण आरती कर रहे हैं।
साथियों, यह वो स्थान है जहाँ पर लोग काफ़ी दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। यह लालजी महाराज का मंदिर है, आप लाइव दर्शन कर सकते हैं, देख लीजिए, जहाँ पर लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। इधर प्रसादी के तौर पर खीर और पुआ का सभी भक्त प्रसाद ले रहे हैं। काफ़ी आनंद के साथ बारिश का नज़ारा देखते हुए भोजन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं सभी लोग। साथियों, आप देख सकते हैं कितना तेज वाव के साथ यहाँ पर पानी गिर रहा है। काफ़ी शानदार नज़ारा यहाँ पर देखने को मिला, आप देख सकते हैं काफ़ी तेज वेग के साथ पानी ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है और बह के नदी में जा रहा है। अभी बारिश के चलते पानी का वेग और तेज हो गया है। कलकल की आवाज़ करते हुए पानी काफ़ी तेज वाव के साथ गिर रहा है, काफ़ी तेज। साथियों, आप देख सकते हैं घंटेश्वर धाम घने जंगलों में स्थित है और काफ़ी सीढ़ियों को चढ़ के व उतर के यहाँ के दर्शन करना पड़ता है। आप देख सकते हैं चारों तरफ काफ़ी घने जंगल हैं और बहती हुई नदी आपको देखने को मिलती है। साथियों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद साथियों।